तो हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि नए शहर में आने का क्या मजा होता है। नई कहानियाँ, नए लोग और एक दूसरे के साथ मिलकर बनने वाली दोस्ती के रंग। आज हम रिव्यू करने वाले हैं थयाम, एक ऐसे फिल्म की जो कॉमेडी, ड्रामा और सस्पेंस का परफेक्ट मिक्स है। ये फिल्म ना सिर्फ आपको हंसा देगी बल्कि कुछ ऐसे मोमेंट्स भी दिखाएगी जो आपको सोचने पर भी मजबूर कर देंगे। तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि हमारा सफर शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले प्लॉट की तरफ बढ़ते, तो थयाम की कहानी कुछ ऐसे दोस्तों लोगों के बारे में है जो नए शहर में जाने का सोचते हैं। अब दोस्तों, नए शहर का मतलब सिर्फ नए लोगों से मिलना नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के नए रंगों को भी समझना है। फिल्म की शुरुआत होती है जब इन दोस्तों का एक दूसरे से मिलना होता है, जहाँ एक दोस्त को प्यार चाहिए, दूसरा अपना करियर का सपना देख रहा है और तीसरा बस खुद को करने के लिए मिशंस पर है। ये सब कुछ देखते हुए आप सोचने लगते हैं कि अरे यार, ये तो मेरे दोस्त भी ऐसे ही है। कैरेक्टर्स का डेप्थ फिल्म को और एंगेजिंग बनाता है। ध्यान, सनी और अजू और निर्जरन राजू जैसे एक्ट्रेस इस फिल्म में अपने डायलॉग्स और एक्टिंग से जान डाल देते हैं। जैसे ही ये दोस्त नए शहर में दाखिल होते हैं, उनके हर रिएक्शन से आपको हंसी आती है और कभी कभी थोड़ा इमोशंस भी फील होता है। आप उनसे कनेक्ट करते हैं जैसे आप भी उन्हीं के साथ सफर पर हो। अजू का वो हिलेरियस अडेप्ट टू द न्यू कस्टम्स आपको हंसा देगा जब वो बोलता है क्या ये खाना खाने का तरीका है। ऐसे मोमेंट से फिल्म पूरी भरी हुई है जो आपको हंसी और दर्द दोनों का मिक्स देंगे। अब सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक की बात करें, जीजू सनी की सिनेमाटोग्राफी तो कमाल की है। हर फिल्म को ऐसे शूट किया गया है कि आप सोचने लगते हैं ये क्या है, मुझे भी जाना है। केरला की खूबसूरती इस फिल्म में जान डालती है। और म्यूजिक, अर्जुन का म्यूजिक इतना कैची है कि अपने पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। फिल्म के गाने हर एज ग्रुप के लिए हैं और जब भी आपको थोड़ा मूड लिफ्ट करना हो तो इन्हें सुन सकते हो। अब चलिए थोड़ा कॉमेडी की तरफ। कॉमेडी इज द सोल ऑफ थयाम। हर कैरेक्टर्स का अपना यूनिक स्टाइल है जो फिल्म को एक फ्रेश टच देता है। उनकी खट्टी मीठी दोस्ती के मोमेंट्स देखने लायक है। जब अज्जू का एक सीन आता है जब वो अपने दोस्तों से कहता है ये तो मेरा घर का खास पकवान है, तो आप हंसी नहीं रोक पाओगे। ये मोमेंट्स छोटे हैं लेकिन इनकी वजह से ही आपका मूड पूरी तरीके से लिफ्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कॉमेडी के साथ साथ इस फिल्म में सस्पेंस और ड्रामा भी है। जब कैरेक्टर्स का सामना उनके कुछ पर्सनल स्ट्रगल से होता है तो आप उनके इमोशंस को महसूस करते हैं। फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि जिंदगी में कभी ना कभी सब कुछ आसान नहीं होता। इस फिल्म में फ्रेंडशिप और सैक्रिफाइस का मैसेज दिया गया है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के प्रोज और कॉन्स की। इस फिल्म का सबसे बड़ा प्रोज है इसका एंगेजिंग नैरेटिव्स और रिलेटेबल कैरेक्टर्स। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उनके साथ सफर कर रहे हैं। लेकिन एक कॉन ये है कि कुछ सीन थोड़े प्रेडिक्टेबल है जो शायद आपको थोड़ा बोर कर सके। हाँ, मुझे पता है प्रेडिक्टेबल होना कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस इसे भूलने लायक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें तो थयाम एक ऐसी फिल्म है जो हंसी के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करेगी। अगर आपको थोड़ी कॉमेडी, ड्रामा और जिंदगी की कहानियाँ पसंद है तो इस फिल्म को जरूर देखना। ये आपको ना सिर्फ हंसाती है बल्कि जिंदगी के कुछ गहरे लेसन भी सिखाएगी। आज का मेरा रिव्यू था थयाम पर। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो समीर मूवी रिव्यू को। अगली बार फिर मिलते हैं नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग और याद रखो, जिंदगी एक फिल्म है तो इसे मजेदार बना।